इनिशियली कहाँ से शुरू करना चाहिए, जीएस को कैसे शुरू करें, क्योंकि तुमने जीएस खुद प्रिपेयर किया, तो जीएस हाउ डिड यू बिगिन, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या एडवाइस रहेगी तुम्हारी? चाहे जीएस हो या ऑप्शनल, दो चीजें मेन होती हैं कोई भी एग्जाम की, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका सिलेबस। टेस्ट सीरीज हम लोग करते हैं नेक्स्ट आईएएस में, तो तुमने लिखे भी थे टेस्ट, मुझे याद है, तो वो टेस्ट सीरीज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, यू फाउंड देम यूजफुल फॉर योर रिवीजन पर्पस? एनसीईआरटी पढ़ी, आप हमेशा क्लास में बोलते थे कि एनसीईआरटी पढ़े बिना मेरी क्लास में होता हूँ वो बेनिफिशियल नहीं है, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस अटेंड करता था। तुम क्या सजेस्ट करोगे दैट जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हुए हाउ टू मैनेज द वीकडेज एंड वीकेंड्स? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वी आर इन अनदर एपिसोड ऑफ टॉपर्स टॉक, और मेरे साथ हैं वैभव राठौर। वैभव इस बार 717 रैंक लेकर आए हैं, और वैभव ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्विसेज में, इसी साल वो आईएएस में 10th रैंक लेकर आए, तो वैभव इज ऑलरेडी इन सर्विस और अब वो आगे और आगे बढ़ना चाहते हैं। और वैभव के साथ बात करते हुए हम जानेंगे वैभव की काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं। वैभव ने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से कम्पीट किया है, और वैभव इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में, और साथ में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से यूपीएससी भी कम्पीट किया। इसके अलावा वैभव ने अपने जीएस की तैयारी अपने आप की, तो इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि कैसे हम मैनेज करें चीज़ों को। साथ में वैभव की तैयारी कॉलेज के साथ हो रही थी, तो ये भी देखेंगे कि कॉलेज के साथ तैयारी कैसे की जाए, ऑप्शनल को कैसे सब्जेक्ट चूज किया जाए, और क्या क्या वैभव के और एक्सपीरियंसेस रहे, ये भी जानना शुरू करते हैं। वैभव मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। अच्छा वैभव, शुरू से शुरू करते हैं, सो व्हेन डिड इट कम टू योर माइंड दैट यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट? सर एक्चुअली लाइक काफ़ी लोगों का ये शुरू से होता है कि बचपन से उनको सिविल सर्वेंट बनना है, बट ऐसा एक्सपोजर मेरे को नहीं मिला था, लाइक मेरी फैमिली में कोई सिविल सर्विसेज में नहीं है। तो जब मैं ग्रेजुएशन में था तब हम काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो हुआ ये कि सेकेंड ईयर में जब था मैं, तो हम लोग अटेंड करते रहते सेशन कि सिविल सर्विस का कुछ हो रहा है या प्लेसमेंट के सेशंस हैं या फिर कुछ भी है हायर स्टडीज़ के, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था चीज़ें। फिर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में अनुदीप दूरी शेट्टी सर की, जो बिट्स लानी यूनिवर्सिटी से ही हैं, तो उस साल के वो आईआर वन थे, तो उनकी एक टॉपर स्टॉक हुई थी हमारे कॉलेज में, तो आई थिंक वो फर्स्ट एक इंटरेक्शन था किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ, तो वो एक फर्स्ट इनिशिएशन पॉइंट था। उसके बाद मैंने और चीज़ों को एक्सप्लोर करा, फिर कॉर्पोरेट में भी मैंने कुछ टाइम काम करा, अराउंड 5 months मैंने क्रेडिट स्विस में था मैं एज एन इंटर्न इन द रिस्क मैनेजमेंट डोमेन, फिर मैंने मास्टर्स भी करी इकोनॉमिक्स में, तो एकेडमिया का भी थोड़ा एक्सपोजर लिया। एंड सर आफ्टर डूइंग ऑल दिस आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्ली सिविल सर्विस इज समथिंग जहाँ मैं अपने पोटेंशियल को बेस्ट यूटिलाइज कर सकता हूँ, एंड देन आई डिसाइडेड कि ये एग्जाम देना है, तो ऐसे सर जर्नी रही है। और आज देखो कम्पीट करके अब तुम आगे बढ़ गए। अच्छा वैभव एक बात बताओ, तो तुम्हारे हिसाब से व्हेन समबडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग, तैयारी शुरू करते हैं, इनिशियली कहाँ से शुरू करना चाहिए, जीएस को कैसे शुरू करें, क्योंकि तुमने जीएस खुद प्रिपेयर किया, तो जीएस हाउ डिड यू बिगिन, कैसे शुरू करना चाहिए, क्या एडवाइस रहेगी तुम्हारी? सर आई थिंक सबसे पहले तो चाहे जीएस हो या ऑप्शनल, दो चीज़ें मेन होती हैं कोई भी एग्जाम की, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका सिलेबस, तो ये चीज़ें तो हमको जरूर देखनी चाहिए। स्पेशली ऑप्शनल चूज करते हैं जब, तो लोग क्या करते हैं कि वो सिलेबस नहीं देखते, पीवाईक्यूज नहीं देखते, तो वो ब्लंडर हो जाता है, तो ये जो दो चीज़ें वो बेस बना के चलना चाहिए। इसके बाद सर अगर प्रिपरेशन की बात करें, तो पहले मतलब लोग क्या करते हैं करंट अफेयर से काफ़ी डर जाता है शुरू में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर्स हम ग्रेजुअली हम उसको तभी अप्रिशिएट कर पाएंगे जब हम कुछ ना कुछ स्टैटिक नॉलेज उसके अराउंड गैदर करेंगे। बहुत सही बात। तो सबसे पहले स्टैटिक पे फोकस करना चाहिए, तो जो भी हमारे कोर एरियाज हैं पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो उनके अराउंड जो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट है वो सबको ही पता आई थिंक मार्केट में जो भी अवेलेबल है, काफ़ी टॉपर्स वगैरह बात करिए करते रहते हैं उसके बारे में, तो स्टैटिक सोर्सेज को पकड़िए, उसको अच्छे से पढ़िए, एटलीस्ट एक दो रीडिंग लगाइए, एंड देन आप करंट अफेयर्स की तरफ मूव करिए और स्टैटिक का रिवीजन अच्छे से करते रहिए। तो सर मैंने तो यही किया था कि बेसिक से स्टार्ट किया था, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी थी स्पेशली पॉलिटी वगैरह के लिए, जो सब्जेक्ट नए थे इकोनॉमी के लिए पढ़ी थी, मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी सबको पढ़नी चाहिए आई थिंक। हाँ सही कहा। तो काफी लोग उसको स्किप करके सीधे बड़ी चीजों पे आ जाते हैं, बट आई थिंक जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है। एक और चीज मैंने देखा कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तुमने बहुत सही बात कही कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन अगर देखें तो बजट के क्वेश्चंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्वेश्चंस, और नेशनल इनकम जीडीपी जीएनपी के क्वेश्चंस, और मनी सप्लाई मनी मल्टीप्लायर, ये सब एनसीईआरटी से ही वो लोग पूछ रहे हैं। जी सर बिल्कुल, इवन माइक्रो की भी एनसीईआरटी पढ़ ले, बिकॉज कभी कभी होता है कि एक दो क्वेश्चन माइक्रो में डालते हैं, अफेक्टिंग डिमांड, सिंपल क्वेश्चन, डिमांड सप्लाई अराउंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये सब तो माइक्रो और मैक्रो की एक बार पढ़ लेनी चाहिए। करेक्ट। तो बस समराइज करता हूँ सबके जानकारी के लिए, तो एक वैभव ने कहा कि शुरुआत में आप सिलेबस जरूर देखिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखिए, ऑप्शनल के चॉइस करने से पहले थोड़ा ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए, और स्पेशली उसके पास्ट ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके सिलेबस को देखिए, और शुरुआत कीजिए बेसिक किताबों से, एनसीईआरटी वगैरह पढ़िए, स्टैटिक को पहले अपना स्ट्रॉन्ग करिए। वंस यू हैव मेड योर स्टैटिक स्ट्रॉन्ग, देन ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स एंड द चेंजेस करंट अफेयर्स।
और वैभव हाउ अबाउट ऑप्शनल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तुम्हारा, हम लोग तो जुड़े रहे काफी दिन, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेने की कैसे, तुमने जैसे बोला क्रेडिट सुई में काम किए, हाँ तो सर वहां से क्या ख्याल आया या मास्टर्स करते हुए ख्याल आया? सर एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें थी, लाइक ग्रेजुएशन में भी मैंने कुछ इकोनॉमिक्स के कोर्सेज लिए थे, बेसिक कोर्सेज लाइक इकोनॉमेटिक्स वगैरह, तो मेरे को वहाँ से इनिशियल इंटरेस्ट आया था। इंजीनियरिंग करते हुए? हाँ सर, इंजीनियरिंग करते हुए तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि बाकी डिपार्टमेंट्स के भी कोर्सेज ले सकते हैं, अच्छा, तो मैंने इकोनॉमिक्स के ले लिए थे, बिकॉज काफ़ी डिमांडिंग सब्जेक्ट भी और मेरे को थोड़ा बहुत मैं पढ़ता रहता था तो इंटरेस्ट था। फिर इंटर्नशिप वगैरह करी तो वहाँ पे भी हम इकोनॉमिक्स की चीज़ें पढ़ते रहते थे, कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। फिर सर लाइक आपकी मैं वीडियोस वगैरह देखा करता था 2019 से यूट्यूब पे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट 2019 में वगैरह। तो हम मिले भी नहीं थे हाँ मेरे सर, तब तो ख्याल मैं मिले भी नहीं था और ना मेरे को पता था कि मेरे को यूपीएससी करना है, तब तो मैं ऐसे ही देखता रहता था, से। बिकॉज अच्छा, मेरे को अच्छा लगता था वो आप जिस तरह से समझाते थे, बिकॉज तब इकोनॉमिक की शायद इतनी मतलब नॉलेज भी नहीं थी, बट काफ़ी अच्छा लगता था आपको सुन के ही, अरे तो वो एक वाह, चीज़ थी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक मास्टर्स में मैंने स्टार्ट किया, उसी टाइम पे आपकी क्लासेज ज्वाइन करी, तो वही चीज़ थी जो मैंने बताया कि बेसिक से स्टार्ट किया, एनसीआरटी पढ़ी। आप हमेशा क्लास में बोलते थे कि एनसीआरटी पढ़े बिना मेरी क्लास में बताऊँ वो हाँ बेनिफिशियल नहीं है, तो मैंने एनसीआरटी पढ़ी, उसके बाद मैंने सिर्फ आपकी क्लासेस अटेंड करता था और काफ़ी रेगुलर होने की कोशिश करता था, फिर मैंने उसी को कंटिन्यू करा, मैं मुझे बहुत याद है ज़्यादा। तुम अभी बता रहे थे कि तुमने मेरी क्लासेस में 2 क्लास छोड़कर हाँ 100 से ज्यादा क्लास करता हूं यस मैं, सर, और 2 को छोड़कर तुमने सारी अटेंड हाँ करी। सर, तो वही था कि मैं इसलिए करता था, बिकॉज क्या होता है कि लाइव क्लासेस में हम डाउट्स उसी टाइम पे सॉल्व करवा सकते हैं, तो मैं काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह भी पूछता था और जो भी क्लास के डाउट्स होते थे कोशिश करता था कि उसको क्लास में ही रिजॉल्व कर लूँ या फिर अगले दिन पूछ लूँ, तो वो चीज़ रहती थी। तो हाँ सर, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, एक ही चीज़ पे रहा, उसी को स्ट्रीमलाइन करा। और बेसिक और सोर्स क्या यूज़ किए इकोनॉमिक्स के लिए? सर बेसिक सोर्स आपके नोट्स थे, जो क्लास नोट्स होते हैं, क्लास डिस्कशन, और जो आपके हार्ड कॉपी होती थी नेक्स्ट ईयर के नोट्स की, तो वही मैंने यूज़ किया। एज सच कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट वगैरह बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया, बाकी हाँ मास्टर्स के कुछ रिसर्च पेपर वगैरह हम पढ़ते रहते थे, तो डेफिनेटली वो कुछ चीज़ें यूज आ जाती थी। कैलकुलेशन होगा ही हाँ उससे, वैल्यू एडिशन आ जाता था। वेरी गुड। यस सर, और कितने बार इकोनॉमिक्स में स्पेशली पूछ रहा हूँ कि ऑप्शनल में, कि कितने रिविजन्स तुम सजेस्ट करोगे लोगों को होनी चाहिए बिफोर वी गेट गुड होल्ड ऑफ द यस सब्जेक्ट? सर, सर आई थिंक जितने ज़्यादा हो सके उतना अच्छा है, बट गुड, एटलीस्ट मेंस के मतलब प्रीलिम्स के पहले आपकी फर्स्ट रीडिंग पूरी हो जानी चाहिए और एक रिवीजन होना चाहिए, तो एक तरह से 2 बार आपको पढ़ा होना चाहिए आइडियली, और मेंस के पहले 3 या 4 बार होना चाहिए, प्लस टेस्ट सीरीज लिखी होनी चाहिए, पीवाईक्यूज पे देख लेना चाहिए उनके सॉल्यूशन जो वगैरह। एक सेकंड तुम्हें रोकूंगा हाँ यहाँ, सर, कि जो टेस्ट सीरीज हम लोग करते हैं नेक्स्ट यस सर, आईएएस में, तो तुमने लिखे भी थे टेस्ट जी मुझे याद सर, है, तो वो टेस्ट सीरीज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, यू फाउंड देम यूजफुल फॉर योर रिविजन पर्पस? डेफिनेटली सर, बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी सारे लाइक टॉपिक्स आप टेस्ट सीरीज के थ्रू पढ़ाते हैं, लाइक वो क्लास में कवर नहीं होते हाँ, बट ये टेस्ट मेरी सीरीज के आदत थ्रू होते हैं, प्लस पीवाईक्यूज के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लाइक इस बारे में को याद है वो कि इंशन स्पेकुलेटिव डिमांड का है। क्वेश्चन था, वो हाँ काफ़ी परेशान कर रहा था, बट वो पीवाईक्यू का क्वेश्चन और वो हमने टेस्ट सीरीज के थ्रू आपने कवर, डिस्कस किया था, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बाउंसर वो काफ़ी अच्छे से कवर हो जाते हैं, प्लस जो मेन्स में मेन चीज़ होती है आंसर राइटिंग की, आपको पता है हाँ कंटेंट क्या है बट आंसर कैसे लिखना है, तो आई थिंक हम सब है ना उसमें परेशान रहते हैं कि कैसे लिखना राइट, है, स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए, तो वो काफ़ी अच्छे से हो जाती है, तो डेफिनेटली सर काफ़ी हाँ, बेनिफिशियल क्योंकि रहती है मैंने मेरे इस लिए बार तो। तुम्हें ध्यान भी होगा, मैंने शुरू भी किया था कि 8 टेस्ट एंड 6 हाँ प्रैक्टिस यस टेस्ट, सर, प्रैक्टिस तो टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट मैंने यही इंट्रोड्यूस किया था कि एक आइडिया लग जाए लोगों को लिखते कैसे हैं, यस सर, एंड देन टेस्ट दें, तो हर टेस्ट के पहले वो प्रैक्टिस टेस्ट यस आए। सर, वॉज इट हेल्पफुल, डिड यस इट सर, हेल्प, डेफिनेटली, हेल्पफुल? मतलब हो सकता है आपके पास टाइम कम हो तो सारे नहीं लिख पाए, बट एटलीस्ट डिस्कशन देख लीजिए सबका। करेक्ट, हाँ और कोशिश करिए एटलीस्ट 5-6 टेस्ट तो लिख लीजिए हाँ, ऑप्शनल के लिए, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा सर। परफेक्ट यस सर, परफेक्ट। अच्छा वैभव, एक बात और बताओ, दैट जब हम तैयारी करते हैं अपनी, तो जब जब तुम प्रीलिम्स के पहले तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी अब प्रीलिम्स के लिए 2 महीने रहते हैं, 2 महीने भी अब ऑलमोस्ट नहीं रह गए, यस सो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू स्टूडेंट्स, के बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दीज 150 डेज क्या हो सकते हैं? सर, आई थिंक इस टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा, तो एक बार के लिए उसको स्किप कर सकते हैं, बट जो आपके स्टैटिक पोर्शन है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, बिकॉज ये चार मैं मानता हूँ की पिलर्स हैं, फिर बाकी चीज़ें इसी से डिराइव्ड है, लाइक ज्योग्राफी पे अच्छी कमांड है तो एनवायरनमेंट को आप अप्रिशिएट कर अच्छा, पाएंगे, सिमिलरली साइंस टेक काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा डोमेन है जहाँ आप अच्छा कर सकते हैं, तो जो भी स्टैटिक पोर्शन है उनको अच्छे से करिए, प्लस करंट के जो लास्ट 1-1.5 ईयर्स की जो भी सोर्सेज रहे हैं, आपके पर्सनल नोट्स हो सकते हैं, मैगजीन हो सकती है, जो भी आप फॉलो कर रहे हो उसी को रिवाइज करिए, मतलब इस टाइम पे कोई नया सोर्स मत पकड़िए, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि काफ़ी नए नए सोर्सेज आ जाते हैं हाँ करंट अफेयर के लिए और लोग बोलते हैं मार्केट में कि अच्छा तुमने ये नहीं पढ़ा, तो वो काफ़ी मतलब ग्लोबलाइज हो जाते हैं लोग, तो वहाँ नहीं मतलब इस टाइम पे डेविएट मत होइए, जो भी आपके सोर्सेज है जो भी स्ट्रेटेजी है उसी को पकड़ के चलिए, अगर डेविएशन होगा तो वो दिक्कत करेगा। राइट, तो ये यस बहुत सर, बढ़िया बात बताई है वैभव ने, दैट डोंट डिविएट फ्रॉम योर चोजन सोर्स,
पीपल विल शो यू फाइव टाइप्स ऑफ थिंग्स बट इफ यू व्हाट यू आर डूइंग इज ऑल्सो सफिशियंट. ये नहीं कि वो चीजें गलत है लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी काफी है एंड रादर स्टिक टू दैट देन डूइंग 10 थिंग्स. इवन ऑप्शनल भी तुमने जैसा बताया एक नोट्स पकड़िए और नोट्स को पढ़ लीजिए बहुत बार एंड दैट इज अ बेटर थिंग टू डू रादर देन गोइंग अक्रॉस मेनी प्लेसेस एंड अनएबल टू देन कवर अप ऑन. वही चीज है कि आप एक सोर्स को 10 बार पढ़िए रादर देन 10 सोर्स को एक बार पढ़ रहे हैं. करेक्ट. तो उसका कोई मतलब नहीं. वेरी वेल पुट. Very well put. So it's a big don't diversify too much into too many things. Correct. अच्छा वैभव एक और interesting चीज देखी है मैंने तुम्हारी कि तुम college के साथ तैयारी कर रहे थे तो बहुत बच्चे होंगे जो तुम्हें सुनेंगे many students many aspirants who are preparing with their college. What will be your advice? College के साथ जो preparation होती है तो college को भी manage करना है और preparation भी manage करना है. तुम्हारी coaching भी चल रही थी optional की उसी बीच में. So how was the time management? सर सर्टेनली वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था कि चीज़ें कभी कभी बैलेंस नहीं होती थी. थोड़ा स्ट्रेस भी आ जाता है कि कैसे बैलेंस करें. बट सर मेरे को लगता है कि अगर हम डेडिकेटेड हैं और कंसिस्टेंट है चीज़ों को लेकर के तो वो हेल्प करता है. मतलब मेरा आइडिया ये रहता था कि नेवर लेट अ डे जीरो ओवर डे. मतलब कोई भी दिन जीरो ओवर डे नहीं होना चाहिए. मतलब आप भले ही 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं बट पढ़ लीजिए. उससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं होता. बिकॉज अगर आपने आज नहीं पढ़ा ना तो आप कल कुछ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कल का भी करना है मेरे को आज का भी करना है. हाँ. तो बिना फालतू का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है. इसलिए मतलब कंसिस्टेंट रहिए. भले ही कम पढ़ रहे हैं आप 3-4 घंटे जितना भी निकाल पा रहे हैं. और वीकेंड पे फिर मैं कोशिश करता था कि थोड़ा 10-12 घंटे पुश करूँ अपने आप को. प्लस हाँ कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ करने पड़ते हैं कि आप शायद इतना इन्जॉय नहीं कर पाएंगे जितना आपके बैचमेट्स कर रहे हैं. वो ट्रेड ऑफ सर आई थिंक करने पड़ते हैं. बट वो ट्रेड ऑफ तुमने किया तो देखो आज 2 साल के अंदर तुम यहाँ बैठे हो. खैर मैं काफी एंजॉय करता था. मतलब कॉलेज में भी मैंने काफी एंजॉय करा. एब्सोल्युटली. हाँ बट हो जाती है चीजें बैलेंस हो जाती है अगर वही चीज आपको डेडिकेशन कंसिस्टेंसी तो कॉलेज 3-4 घंटे लेता होगा तुम्हारा मेरे ख्याल से. उसके बाद पढ़ाई करते थे कॉलेज. हाँ सर मतलब कॉलेज ही होता था कि 9-5 के बीच में क्लासेस होती थी. तो मैं इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी थी IIT दिल्ली से मैंने किया. तो मैं मोस्ट ऑफ द डे वहीं स्पेंड करता था. वहीं से अपनी कॉलेज की क्लासेस चले जाता था और वहीं पढ़ता था. तो कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई वहीं पर हो जाए. और दिन के अगर 5-6 घंटे भी निकल पा रहे हैं ऑन नॉर्मल डेज एंड वीकेंड पे थोड़ा मतलब कुछ करता था अपने आप को तो वो हेल्प करता है सर. और इसी साल तुमने इकोनॉमिक सर्विसेज भी कंप्लीट किया वैभव. तो इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए जब तुम पढ़ रहे थे तो उसको ऑप्शनल के साथ मिक्स कर लेते थे बिकॉज मेंस भी था और IAS के भी एग्जाम्स थे. तो वो बैलेंस कैसे बनाए क्योंकि कुछ बच्चे फिर इस बार मैं तुमसे एक्चुअली सवाल और क्लियर करके पूछता हूँ कि प्रीलिम्स का एग्जाम था प्रीलिम्स एग्जाम के इमीडिएटली बाद इकोनॉमिक सर्विसेज है. सो हाउ टू मैनेज दैट उस गैप को कैसे मैनेज करते हैं. यस सर. सो सर हमारे टाइम पे तो ये था कि 20 दिन का गैप था बट इस टाइम थोड़ा एक्सेप्शनल है कि बस 4-5 दिन का ही गैप मिल रहा है. तो आई वुड सजेस्ट कि इस साल जो लोग दे रहे हैं तो आई थिंक उनको इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को बैलेंस करना पड़ेगा बिकॉज कोई और ऑप्शन बचता नहीं है. तो मैं क्या कर मैं मतलब लास्ट ईयर क्या कर रहा था कि अराउंड अप्रैल एंड तक मैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ा था प्लस जो IAS की एडिशनल चीज़ें होती है इकोनोमेट्रिक्स एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स वगैरह. और फिर अप्रैल एंड तक पढ़ा था और मई का पूरा टाइम मैंने प्रीलिम्स को दिया था कि जो भी 26-27 दिन थे वो पूरे प्रीलिम्स को दिए थे. और उसके बाद जो 20 दिन का टाइम था तो वो बिना समय गवाए पूरा IAS को लिया था. स्पेशली उन टॉपिक्स को जो हम कम पढ़ते हैं ऑप्शनल में या फिर जैसे इंडियन इकोनॉमी तो हम GS के साथ भी पढ़ते हैं तो मैंने वो वहीं से कवर कर ली थी. फिर इंडियन इकोनॉमी अलग से नहीं पढ़ी. तो उस टाइम पे मैंने इकोनॉमेट्रिक्स वगैरह पब्लिक फाइनेंस वगैरह जो ज्यादा चीजें एनवायरमेंट वगैरह तो इन पे थोड़ा फोकस करा था क्योंकि GS इंग्लिश वगैरह तो हो जाएगी. GS PYQ उसको उस टाइम पे रिवर्स इंजीनियरिंग काफी काम करती है बिकॉज आप पूरा नहीं पढ़ सकते 20 दिन में ऑब्वियसली. और इस बार तो 4-5 दिन है तो पूरा तो नहीं पढ़ सकते. तो वो आप पेपर देखिए. IAS की अच्छी बात ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं काफी कुछ. मतलब सिलेबस काफी वेल डिफाइंड है. एक एक चीज काफी वेल डिफाइंड और PYQ से काफी कुछ आइडिया लग जाता है. तो वही है कि रिवर्स इंजीनियरिंग यूज कीजिए. PYQs को देखिए और अपने सिलेबस को अच्छे से देखिए. कोशिश कीजिए कि सिलेबस के अराउंड जो पॉइंट्स हैं उन पे आपके नोट्स हों और वो अच्छे से रिवाइज हों. तो इतना ही होगा तो वो भी काफी होता है. राइट. यस सर. और वैभव तुमने जब पहला अटेम्प्ट दिया था yes, तो जैसा तुम बता रहे थे कि पूरी प्रिपरेशन नहीं थी GS की जो 2022 का था तो यू कुडंट क्वालिफाई. तो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी. जी सर डिसअपॉइंटमेंट हुई थी बट आई थिंक कि वो मेरे को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि ठीक है एक साल है मैं अपनी ऑप्शनल की और GS की प्रिपरेशन को अच्छा करता हूँ. बिकॉज मेरे को लगा कि एनीवेज मेरा प्रीलिम्स हो भी जाता तो मेंस के लिए आई एम नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑप्शनल मैंने एक ही बार पढ़ा है. GS के इतने सारे टॉपिक्स छोड़ रखे हैं तो वो एक होता है कि अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी. तो वो चीज़ मैंने सोचा कि ठीक है अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसमें कुछ अच्छा ढूंढते हैं. तो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी 1-2 दिन बट मैंने फिर कंटिन्यू रखा अपने इमीडिएटली. मतलब मैं प्रिपेयर करता रहा. एक और बात पूछूंगा वैभव कि प्रीलिम्स के बाद
कितने दिन का ब्रेक ले सकते हो? तो एक दिन तो दो दिन लेना पड़ता है, मैं जानता हूँ पीपल आर एग्जॉस्टेड, बट आइडियली कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन छोड़ सकते हैं, फिर मेंस में कब लग जाना चाहिए? सर आई थिंक 2-3 दिन से ज़्यादा का ब्रेक आइडियली नहीं लेना चाहिए इस राइट बार तो, मतलब IAS वाले लोग तो वो तो एक्सेप्शनल, उनको तो अगले दिन से लगना ही पड़ेगा, बट जो मेंस वाले लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार भी टाइम कम हो चुका है। ज़्यादातर लोग क्या गलती कर देते हैं कि वो मतलब प्रीलिम्स के रिजल्ट तक का वेट करते हैं और ऑलरेडी 10-15 दिन जा चुके होते हैं, ट्रू, तो जो भी उस 10-15 दिन में पड़ जाता है उसको एक एज तो मिल जाता है। और होता क्या है कि अगर आप साइकिल में हैं, अगर बाई चांस आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी होता तो भी आपको मेंस तो देना ही है ना, जिस भी साल आप क्वालिफाई करेंगे मेंस तो देना ही है, तो आप प्रिपरेशन करिए, अच्छी बात है। लाइक इशिता किशोर मैम की एक अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी कि उनको कोई पूछा था कि आपका फर्स्ट मेंस था, बोलो मेरा फर्स्ट मेंस नहीं था, मेरा थर्ड मेंस था, मेरा 2 साल प्रीलिम्स नहीं हुआ, मैं मेंस की प्रिपरेशन करती थी, लोग मेंस का एग्जाम एग्जाम सेंटर में लिखते थे, मैं अपनी लाइब्रेरी में घर पर लिखती थी। तो आई थिंक वो चीज़ करनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका मेंस क्वालिफाई, मतलब सॉरी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, आप मेंस का एग्जाम दीजिए, वेरी करेक्ट, उसको आप यूज़ कीजिए वो टाइम को, कि ऑप्शनल प्रिपेयर कीजिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, ये सब प्रिपेयर कीजिए, और इससे क्या होगा कि नेक्स्ट ईयर आप जब भी मेंस लिखेंगे एक क्लियर कट एज होगा और आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली तुमने और बहुत सही बात बताई, दैट डू नॉट वेट फॉर प्रीलिम्स रिजल्ट्स फॉर टू लॉन्ग, एंड इवन गॉड फॉरबिड लेकिन अगर किसी का रिजल्ट खराब भी चला जाता है तो रुकिए मत, आप इस एग्जाम में रुक नहीं सकते, आप टेस्ट सीरीज लगाइए, रिवाइज कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ते रहिए, राइट राइट, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ वैभव, और कभी कभी बड़ा वो दुख भी लगता है मुझे कि जून में प्रीलिम्स हुआ या मई में प्रीलिम्स हुआ, लोग अगस्त सितंबर तक नहीं पढ़ते, फिर कहते हैं सर अब क्या करें। हाँ सर, सो एट टाइम्स आई फील कि अब तुम क्या करोगे। हाँ सर, मतलब इस बार मैंने सुना कि लाइक 28 मई को प्रीलिम्स था तो लोग बोल रहे मेंस तक यार हम तो उस मोड से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो सर आई थिंक मतलब सॉरी टू से बट ये उनकी गलती है कि मतलब आप बाहर निकलने के इतना टाइम नहीं ले सकते ना, तो वो लाइक लोग पूछते हैं कि सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आप अगर सीरियस हो तो आप 1-2 वीक का टाइम ले सकते हैं, ठीक है ले सकते हैं, इट वाज अ बैड प्रीलिम्स जो पिछले साल, इट वाज अ बैड प्रीलिम्स सर्टेनली, बट ठीक है आपको उससे बाहर निकलना ही पड़ेगा 1-2 हफ्ते में, आप ये रीजन नहीं दे सकते कि यार मेंस भी हो गया और हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो आई थिंक वो चीजें फिर गलत हो जाती है, गलत हो जाती है। प्लस एक और बात मैं सुनने वालों के लिए ऐड करूंगा कि इट वाज अ बैड प्रीलिम्स बट दैट इज व्हाई द कट ऑफ केम डाउन बाय 12 मार्क्स, 87 था उसके पिछले साल 75 कट ऑफ हो गया, मुझे तो वो भी एडजस्टमेंट दिमाग में रखनी चाहिए। हां सर, वो भी ध्यान रखना, बिकॉज टफ है तो सबके लिए, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड तो है ना, ऐसा थोड़ी कि आपके लिए अलग पेपर है किसी और के लिए अलग, राइट राइट, हाँ वो चीज, आई एग्री विथ यू। और वैभव एक बात और बताना, ये मैं तुमसे वैसे पूछ रहा हूँ दैट अब जैसे तुम अभी यू आर इन अ जॉब, तो बहुत लोग होंगे जो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एंड तो तुम क्या सजेस्ट करोगे दैट जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हुए हाउ टू मैनेज द वीकडेज एंड वीकेंड्स? सर आई थिंक लाइक मेरे केस में तो ये था कि मैंने फुल फ्लेज्ड 2 साल लगाए थे, मतलब वो भी प्रिपरेशन कॉलेज के साथ ही थी, फिर अब जॉब के साथ है, तो मेरी प्रिपरेशन तो ऐसी ही रही कि फुल टाइम मैंने कभी प्रिपेयर करा ही नहीं है इस एग्जाम के लिए। बट होता क्या है कि अगर आप जॉब के साथ ले रहे हैं, कर रहे हैं प्रिपेयर, तो आई थिंक 2 साल का टाइम लेके चलना चाहिए, बिकॉज फुल फ्लेज्ड हम अराउंड 12-13 महीने का टाइम लेते हैं, बट अगर रियलिस्टिक सिनेरियो देखें तो जॉब के साथ आप 2 साल का टाइम लीजिए और फिर अपना टाइम दीजिए। और वही चीज़ है कि आप वीकडेज पे वही 3-4 घंटे निकाल पा रहे हैं और वीकेंड पे फिर 10-12 घंटे निकाल लीजिए, तो ऑन एन एवरेज आपके वो 35-40 घंटे बन जाएंगे। और क्वालिटेटिव स्टडी करिए, बिकॉज जॉब के साथ क्या होता है कि हमें पता है कि टाइम कम है तो क्वालिटेटिव स्टडी हो जाती है शायद, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर आपको पता है ना कि आप 24 घंटे फ्री हैं तो टाइम वेस्ट ही करेंगे आप, बट कॉलेज के साथ या जॉब के साथ आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो एक अच्छी चीज़ आपको पता है कि आप कंस्ट्रेंट हैं ऑलरेडी, कंस्ट्रेंट है कि नहीं पढ़ा तो फिर आपको जॉब करनी है कल, फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो पढ़ लेंगे आप। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी तुम थे नेक्स्ट IAS के साथ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सर इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, बिकॉज लाइक मैंने मॉक्स भी दिए थे यहाँ पे और डेफ एनालिसिस कराया था, प्लस जो भी करंट अफेयर्स के इश्यूज थे उस पर डिस्कशन होता रहता था, आपके साथ भी काफ़ी बार बात हुई है, मॉक्स वगैरह हुई है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट काफ़ी हेल्प भी करा इंटरव्यू गाइडेंस में, बिकॉज इनिशियली मेरे को लग रहा था कि मेरे आंसर्स काफ़ी रिफाइंड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है और थोड़े स्कैटर्स हैं, तो वो इस रिफाइनिंग में और प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग में काफ़ी हेल्प करा, तो डेफिनेटली इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस। परफेक्ट। और वैभव बस आखिर में जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, यस सर, और जिनके मन में अभी बहुत वो दुख दुख होती रहती है होगा नहीं होगा, वो तुम लोगों को भी डर लगता होगा अपने टाइम पे, सो व्हाट विल बी योर मैसेज टू देम दैट हाउ टू मैनेज योर साइकोलॉजिकल थिंग्स इन दिस एग्जाम? तो सर फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए मैं बस यही चीज कहना चाहूंगा कि मेरे लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें रही है पूरी प्रिपरेशन में, एक कंसिस्टेंसी और एक सेल्फ डिसिप्लिन, तो ये 2 चीज़ें वो बेस है, उसको आप लेट गो नहीं कर सकते, प्लस कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पे, एंड ये समझ के चलिए कि दिस एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर बाई चांस नहीं भी होता है
तो आप इतना सीख चुके होंगे कि आप जो भी जहाँ भी हो जिस भी जगह हो वहाँ पे अच्छे ही परफॉर्म करेंगे, चाहे आप कॉरपोरेट में हो चाहे आप एकेडमिया में हो किसी भी जगह हो, बिकॉज वी हैव सीन पीपल फ्रॉम हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन सिविल सर्विसेज बट दे आर डूइंग ग्रेट. तो दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड है ना. और ऐसा भी नहीं कि सारे सिविल सर्वेंट अच्छे ही कर रहे हैं. तो आप अपना अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दीजिए, फिर बाकी ऊपर वाले भी छोड़ दीजिए. आई थिंक कुछ चीज़ें टाइम लेती है और थोड़ा बहुत लक का रोल होता है इस एग्जाम में. बिल्कुल अगर इस पोजीशन पे आकर के मैं बोलूँ कि सिर्फ मेहनत होती है तो आई थिंक वो गलत होगा. लक का बहुत रोल होता है और लाइक मेरे केस में बहुत हुआ था. तो डेफिनेटली ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा. वेरी वेल सेड वैभव, एंड वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सर. एंड सो नाइस हैविंग एन इंटरव्यू. सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपके लिए भी ये बहुत यूजफुल रहेगा, एंड यू विल पिक व्हाट वैभव हैज सेड. कुछ बातें उन्होंने बहुत अच्छी बताई. प्रीलिम्स के बाद टाइम मत खराब करिए, अपने ऑप्शनल के और जीएस के साधनों को आप रेस्ट्रिक्टेड रखिए. डोंट मेक टू मेनी रिसोर्सेज बट रीड वन थिंग 10 टाइम्स. तो इन चीज़ों पे आप गौर रखिएगा. उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प मिली होगी. अगर आपको कोई भी और सजेशन देना है, आपको कोई हेल्प चाहिए नेक्स्ट आईएएस से, तो आप फील फ्री करिए. नेक्स्ट आईएएस आपका घर है. आप आइए, आप जो भी मदद चाहिए, जो भी हम कर पाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, वी विल ट्राई आवर बेस्ट. थैंक्स अ लॉट वैभव. थैंक थैंक यू यू. सर. थैंक यू.